हाय, दिस इज ब्रिजेश दुबे। वेलकम टू स्टार एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 10 से चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस। और आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो लेक्चर मैंने फिनिश किया था उसके अंदर में हमने स्टडी किया था कि किस तरीके से एग फर्टिलाइज होता है और उसके बाद में एम्ब्रियो डेवलप होता है और चाइल्ड किस तरीके से उसकी बर्थ होती है। ये सारा कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर में हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था, लेक्चर वहीं पर फिनिश किया था कि अगर स्पर्म आया, एग फर्टिलाइज हुआ तो एम्ब्रियो बना। बट अगर क्या होगा कि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, मींस स्पर्म उसको नहीं मिला, तो वो सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम डिस्कशन कर रहे और वही ये लेक्चर है, इसके अंदर में हम सारा कुछ ये डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसे कहा जाता है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस जो है मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स है, उनको पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियसली सुना होगा, ठीक है, कई सारी कंडीशन आती है। ठीक है, उसमें से एक क्या है, एक प्यूबर्टी है। ठीक है, प्यूबर्टी किसमें आती है? प्यूबर्टी दोनों में आती है, मेल एंड फीमेल दोनों में आती है। यहाँ पर हम जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टडी करने वाले हैं, फीमेल के अबाउट में स्टडी करने वाला है, तो खास करके सभी गर्ल्स एंड वुमेन के लिए जरूरी है कि इसको देखें और समझें कि ये क्या होता है और कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज आती है प्यूबर्टी। क्या आती है? प्यूबर्टी। प्यूबर्टी कब आती है स्टूडेंट्स? तो अगर हम बात करते हैं प्यूबर्टी, ठीक है, तो उसकी जो एज होती है, एज कितनी होती है, तो 10 से लेकर के 14 साल तक होती है, 10 to 14 ईयर होती है। ठीक है, प्यूबर्टी की एज होती है, ये हो गई। अब ये प्यूबर्टी होती क्या है, कैसे डिसाइड होगा कि भाई ये प्यूबर्टी है? ठीक है, तो आपको पता होगा, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है कि जब एक चाइल्ड गर्ल उसकी बर्थ होती है, बर्थ के बाद, ठीक है, उसके जो ओवरी रहती है उसमें मिलियंस ऑफ एग्स रहते हैं। ठीक है, अब जब बर्थ होती है, ड्यूरिंग बर्थ या बर्थ के बाद, ठीक है, उसमें लगभग 2 मिलियन जितने क्या रहते हैं, एग्स रहते हैं। क्या रहते हैं? उसमें एग रहते हैं। और उसके बाद में जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, वो जो एग है वो कम होते जाते हैं। बाद में कितने बचते हैं? आफ्टर लगभग 60 to 80 thousand, ठीक है, थाउजेंड एग जो है बच जाते हैं। ठीक है, अब जब पहली बार एग यहां से रिलीज होता है ओवरी में से, ठीक है, और उसके बाद में फर्टिलाइज नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती, और वो जो फर्स्ट स्टेज होता है, पहली बार जो होता है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? उसको मेनार्की कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? मेनार्की। समझ में आ रहा है? कब कौन सी ऐसे स्टार्ट होगा? तो 10 to 14 के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकता है, चालू हो सकता है। तो भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें से एग रिलीज होते होते खत्म हो जाएंगे या फिर वो जो है अब रिलीज होना बंद हो जाएंगे, तब क्या होगा? उस टाइम वो जो वुमेन है, ठीक है, वो अब एग रिलीज नहीं कर सकती। तो उस जो वो जो कंडीशन है, वो जो स्टेज है, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मेनोपॉज कहेंगे। क्या कहेंगे? मेनोपॉज कहेंगे। और मेनोपॉज की जो एज होती है वो क्या होती है? एज जो होती है उसकी 45 to 50 होती है। अब बच्चा लोग कहीं कहीं पर ये एज ओनली जस्ट 45 लिखी रहती है, कहीं पर 50 लिखी रहती है, कहीं पर दोनों ही लिखी रहती हैं। तो आपको अगर ये वाला दिख रहा है कहीं पर क्वेश्चन के अंदर में, मतलब ऑप्शन है, तो आप इसको ही सिलेक्ट करेंगे। समझ में आ गया? अगर कहीं से क्वेश्चन आता है तो समझ में आ रहा है आपको? तो ये इतनी प्राइमरी इंफॉर्मेशन है। अब देखते हैं कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ठीक है, वो किस तरीके से होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर टोटल हम 4 फेजेस देखने वाले हैं। कितने? 4 फेजेस देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला जो फेज है वो कौन सा है? मेंस्ट्रुअल फेज है। कौन सा है? मेंस्ट्रुअल फेज है, पहला वाला ही फेज। तो मेंस्ट्रुअल फेज किसको कहेंगे देखते हैं। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड एंडोमेट्रियल लिनिंग। तो भाई म्यूकस और एंडोमेट्रियल लिनिंग और उसके बाद में ब्लड्स का जो डिस्चार्ज होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है। समझ में आ रहा है आपको? आगे देखते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज लास्ट फॉर 3 to 5 days। कितने दिन तक रहता है ये? 3 से लेकर के 5 दिन तक रहता है। समझ में आ रहा है?
और 3 से 5 दिन तक मींस जो ब्लीडिंग होती है, सिंपल भाषा में कहें यहाँ पर जो अंदर की लीनिंग होती है, ठीक है, यूट्रस के अंदर की, वो लीनिंग धीरे धीरे कट करके क्या होती है, गिरती है, ठीक है, वेजाइना के थ्रू, ठीक है, ब्लड के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये जो अंदर की लीनिंग होती है उसमें कई सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, प्रीवियस वाला लेक्चर याद करो, ठीक है ना, प्रीवियस वाला, प्लेसेंटा बनता है, कैसे ज्वाइनिंग होते हैं वहां पर सारा कुछ। तो ये ब्लड कैपिलरीज कई सारे टिश्यूज से बना हुआ होता है ये लीनिंग, ये जो रेड कलर का मैंने मार्किंग किया हुआ ना, ये जब गिरता है, समझ में आ रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है भाई, तो इसको मेंस्ट्रुअल फेज कहा जाता है। और ये कितने दिन तक रहता है, 3 से 5, किसी में 6, 7 और 8 दिन तक भी रह सकता है, समझ में आ रहा है, ये अप्रोक्स यहाँ पर लिया गया है। और इसके अंदर में बच्चा लोग लगभग जो है 5 to 150 ml जितना जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, वो वेस्ट हो जाता है, बॉडी के बाहर निकल जाता है, समझ में आ रहा है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। चलिए अब जो दूसरा फेज है उसको पकड़ते हैं, वो क्या है, तो फॉलिकुलर फेज है। ये क्या है, फॉलिकुलर फेज है, इसको समझना, इसको समझ के सारा खेल समझ में आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। देयर इज रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम, क्या है, तो ये फेज में ग्रोथ और रिपेयरिंग होगी किसकी, एंडोमेट्रियम की। अभी एंडोमेट्रियम क्या है, एंडोमेट्रियम कहने का मतलब ये जो अंदर का हिस्सा है, ये जो गर्भाशय होता है ना, अंतः गर्भाशय हिंदी में कहें तो, वो क्या होता है, वो होता है एंडोमेट्रियम। तो उसकी ग्रोथ होती है और रिपेयरिंग होती है। रिपेयरिंग क्यों हुई, अरे भाई यहाँ से सारे ब्लड वगैरह सब निकल गया ना, अब फिर से उसको रिपेयर करेगा ना, वो पूरा मैं फिगर के थ्रू भी आपको बता दूंगा, यहाँ पर वर्ड को समझते जाओ, ये समझ लोगे एक बार जब वहां से पता फिगर के थ्रू पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हॉर्मोन FSH, ठीक है, एक ये हार्मोन होता है, ये कहां पर होता है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहां होती है बच्चा लोग, हमारे ब्रेन के अंदर में होती है, ठीक है, ओके। चलिए, अ फ्यू फॉलिकल्स ग्रो बट ओनली वन फॉलिकल कॉल्ड ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर्स। कई सारे यहां पर क्या होती है, फॉलिकल बनते हैं, कहां पर बनते हैं, ठीक है, तो ये जो है यहां पर बनते हैं, ठीक है, कई सारे फॉलिकल्स यहाँ पर बनते हैं, अंदर में ही बनते हैं, स्पेस का मैंने इसलिए बनाया था कि दिखना भी चाहिए भाई, यहीं पर बनते हैं, कई सारे बनते हैं, बट इसके अंदर से एक ही जो है मैच्योर हो पाती है, ठीक है, एक ही इसके अंदर से बड़ी, और क्या नाम है उसका, तो ग्राफियन फॉलिकल है या ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, ये मैच्योर हो गई इन द 2 ओवरीज, किसके अंदर में, 2 ओवरीज के अंदर में, ठीक है। इट सेक्रेट्स हार्मोन एस्ट्रोजन, ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, ओवरी में से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो एस्ट्रोजन रिलीज होता है, दिमाग में बैठा लो, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये किसके हार्मोन्स हैं, तो ये वुमेन के ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, कौन से हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, समझ में आ गया, ओके। चलो, फोलिकल फेज लास्ट फॉर 5 to 14 days, ये यहां पर खत्म हो 5, अब ये 5 से लेकर 14 दिनों तक का ये जो फेज होता है, जो पूरी प्रक्रिया होती है, प्रक्रम होता है, ठीक है, प्रोसेस होती है, वो क्या होती है, फोलिकुलर फेज होती है, क्या होती है, फोलिकुलर फेज कहा जाता है इसको, ठीक है। और ये जो फोलिकुलर फेज जो होता है कब तक रहता है, 5 से 14 दिनों तक रहता है, दिमाग में बैठा करके रख लो, 5 पर खत्म हुआ, 5 से 14 डे तक ये रहता है, सब कुछ निकल गया, अभी इस टाइम के अंदर 5 से 14 दिनों तक इसकी पूरी रिपेयरिंग होने वाली है, क्या होने वाली, पूरी रिपेयरिंग, साफ सफाई होकर के रिपेयरिंग होगी, हो फिर से अंदर पे यहाँ पर क्या होंगे, ब्लड कैपिलरीज आएंगी, ठीक है, और यहाँ पर वेसल्स वगैरह सब कुछ बनेगा अच्छी तरीके से, उसको फिर से लीनिंग कर देंगे एकदम चकाचक, क्यों कर देंगे वो भी देखेंगे। अब देखते हैं सेकंड थर्ड, मतलब ठीक है, थर्ड जो है हमारा ओव्यूलेशन फेज, ठीक है, ओव्यूलेशन फेज देखते हैं, इसमें क्या होता है, एट अबाउट द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑन 13th or 14th day, कितने, 13वें या फिर 14वें दिन, 13th or 14th day, द ग्रोविंग फॉलिकल बर्स्ट, क्या हुआ, ये जो फॉलिकल था जो ग्रो हो रहा था, ये क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, ये बर्स्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, कुछ टूट जाएगा, फट जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है, ध्वस्त हो जाएगा। अब ये फूटा टूटा तो क्या होगा, तो क्या होगा वो देखते हैं। एंड मैच्योर ओवम इज रिलीज्ड, क्या होगा, मैच्योर ओवम, ऐसा वैसा ओवम नहीं होगा, कौन सा ओवम होगा, मैच्योर ओवम रिलीज होगा वहां से, तभी तो फर्टिलाइज होगा, ठीक है,
तो मैच्योर ओवम वहां से क्या होगा, रिलीज होगा, ये फटा, इसके अंदर ही ओवम था, इसके अंदर ही वो अंडा था, फटा, अभी यहां से क्या करेगा, निकलेगा। समझ में आ रहा है? चलो आगे देखते हैं क्या होता है भाई। फ्रॉम द ओवरी अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड LH, एस्ट्रोजन आ गया ऑलरेडी, LH क्या, LH भी एक हॉर्मोन है, क्या है, LH भी एक हॉर्मोन है, ये भी कहां से रिलीज होता है, ये भी इसी का भाई है, कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड में से रिलीज होता है। समझ में आ गया? ओके चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ यहां पर ध्यान से समझना, इसके अंदर में क्या हुआ, ये जो था अंदर में, ठीक है, पॉलिकल वो ब्लास्ट हो गया, फट गया, यहां से क्या हो गया, अब यहां से जो है अंडा रिलीज हो गया और कहां पर जाएगा, तो ओविडक्ट के अंदर में जाएगा। समझ में आ रहा है? कहां जाएगा, ओविडक्ट के अंदर में जाएगा। अब यहां पर ये क्या करेगा, यहां पर दो दिन तक रहता है, लगभग 24 to 48 आवर, कहीं कहीं पर 24 आवर लिखा रहता है, कहीं जब पर 48 आवर लिखा रहता है, इसके लिए मैंने 24 to 48 आवर आपको मैंने बता दिया। यहां पर रहेगा, कहां पर, ये जो एक आया था प्रीवियस वाला लेक्चर अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, बच्चा लोग नहीं पढ़ा है तो फिर से जाके पढ़ लो, ठीक है ना, जाओ फटाफट प्लेलिस्ट में, वहां पर लेक्चर पढ़ा ही है, आप उसको फटाफट देख लो, समझ में आएगा सारा कुछ खेला क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर 24 से 48 घंटों तक रहने वाला है, कौन, ए, ठीक है ना, ज्यादा टाइम नहीं है उसके पास में, समझ में आ गया। अब देखते हैं सेक्रेटरी फेज, देखते हैं क्या कौन सा सेक्रेटरी फेज देखते हैं, अब इसके अंदर में क्या होने वाला है, ठीक है। इट लास्ट फ्रॉम मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, कब, ये कब तक रहता है, तो मेंस्ट्रुअल फेज के मिडल तक, ठीक है, टू एंड ऑफ द सेम, और उसके आखिरी तक रहता है, मींस कब तक, 14 to 28 days, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज देखा था यहां पर 3 to 5 दिनों वाला, तब से लेकर के कहां तक रहने वाला है, तब से लेकर के 28 दिनों तक रहने वाला है। समझ में आ रहा है? ओके, मतलब कहने का, जब मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हुआ, मेंस्ट्रुअल फेज उसके साथ लेकर के 28 दिनों तक रहने वाला है, इसको सारा कुछ अभी समझाऊंगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड द यूटेरिन वॉल थिकनेस फर्दर, अब इस टाइम पर क्या होता है, तो ये जो यूटेरिन होती है, इसकी जो दीवारें हैं, जो ब्लैक कलर से है ना, इसकी दीवारें हैं, और यहां पर जो है ये क्या है, लीनिंग है, थिकनेस है, मोटाई, वो क्या होता है, फिर से रिपेयर होना स्टार्ट हो जाती है, फिर से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, ग्लैंड्स प्रेजेंट इन एंडोमेट्रियल एरिया बिकम फंक्शनल, अब यहां पर एंडोमेट्रियल जो एरिया होता है, यहां पर जो कुछ ग्लैंड्स होती है वो भी क्या हो जाती है, वो भी एक्टिवेट हो जाती है, इनको भाई अंदर की जो वॉल है ना उसको अच्छे से सजा करके, उसको मुलायम करके रखना है, किसके लिए, इस एग के लिए। ओके, अभी आप बोलोगे तो पहले ही पढ़ चुका था भाई, यहां पर पहले ही आपको समझाया गया है कि ये वाले फेज में क्या होता है, उसके बाद की प्रोसेस है, धीरे 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 बाद में ये होने वाला है, ठीक है, ये क्या होता है, ये लास्ट में होता है, भले लिखा पहले है पर होता कब, ये लास्ट में होता है। समझ में आ रहा है? चलो, present in the endometrial area become functional and begin to secrete of materials for nourishment of the egg if it happens to get fertilized। समझ में आ रहा है? तो egg के लिए nourishment वगैरह सब कुछ यहाँ पर ready किया जा रहा है, अगर यहाँ पर egg आता है, ठीक है, egg आता है तो उसके लिए सब कुछ ready है, yes, आ जाओ, previous वाले lecture याद करो, previous वाले lecture की बार बार बात कर रहे हैं सर, ऐसा बोलोगे, ठीक है, अब सुनो क्या होगा, फॉलिकुलर फेज के अंदर में देखा, यहां पर फॉलिकल बना, अब यहां पर आ जाओ, यहां पर इसको समझ लो, ठीक है, मैंने कहा था आपको अगर इसको समझ लिया तो सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर क्या हुआ, यहां पर फॉलिकुलर जो फेज था, फॉलिकल्स बने कई सारे, उसमें से एक ही जो है मैच्योर होता है, ग्राफियन फॉलिकल जो होती है वही क्या होती है, मैच्योर हो पाती है, उसके बाद क्या होता है, वो फटती है, फटने के बाद में जब फट जाएगी तो यहां से क्या होता है, यहां से एग रिलीज होता है, ठीक है, कहा जाएगा, ये ओविडक्ट के अंदर में जाएगा। समझ में आ रहा है? ओविडक्ट के अंदर में गया। अब यहां पर कितने दिनों तक रहा, यहां पर मैंने आपको जैसे बताया 24 आवर्स टू कितना तक रहने वाला है, 48 आवर्स रहता है बच्चा लोग, ठीक है, 24 भी लिखा होगा कहीं कहीं, 48 भी लिखा होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इनके बीच की ड्यूरेशन रहती है, ज्यादा टाइम नहीं इसके पास में। यहां पर रहा, अगर इसके पास में, अगर इसके पास स्पर्म आया, स्पर्म अगर आया तो इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, प्रीवियस सेक्टर, ठीक है, फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज हो गया तो ओहो अच्छी बात है, अब क्या होगा, ये फर्टिलाइज होकर कि यहां पर आएगा, और यहां पर जो अंदर की जो लीनिंग होती है किसकी, यूट्रस की,
उस लिनिंग के साथ में क्या हो जाएगा, ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, ज्वाइंट होने के बाद में क्या बन जाएगा, पहले जाइगोट रहता अब एम्ब्रियो बन जाएगा और उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, प्लेसेंटा के साथ में ज्वाइंट हो जाएगा, एक बेबी बन जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये यहां से निकल करके फिर अब वापिस आ जाएगा, अब खराब हो चुका है, वो फर्टिलाइज नहीं हो सकता है। अगर 24 से 48 घंटों के बीच में अगर उसको स्पर्म मिला तभी ये फर्टिलाइज होगा। समझ में आ रहा है? इसी के लिए हर एक कोइटस के दौरान, ठीक है, कोई भी वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट नहीं होती है। समझ में आ रहा है? ड्यूरिंग ईच कोइटस, ठीक है, हर एक वुमेन जो है प्रेग्नेंट नहीं होती इसी के वजह से। ओके, चलो अब यहां से ये रिलीज हुआ, अब खराब हो चुका है, ठीक है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये यहां से जो है बाहर निकल जाएगा। अब जब यहां से बाहर निकल गया तो ये बोलेगा लो, अब जिसके लिए सारा कुछ मटेरियल रेडी किया वही नहीं रहेगा, तो ये भी बुरा बन जाएगा। और ये क्या होगा, ये यहां से ब्रेक डाउन होने लगेगा। अब जब ये ब्रेक डाउन होने लगेगा तो क्या होगा, यहां से इसकी जो है ब्लड कैपिलरीज जो है वो टूटने लगती हैं और क्या होने लगता है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, फिर ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये खत्म होगा, 3 से 5 दिनों तक ये चले। इसके खत्म होने के बाद में फिर से ये वाला स्टेज चालू हो जाता है, बट इस बार इस ओवरी में से निकला था, सेकेंड टाइम एग कहां से रिलीज होगा, इस वाली ओवरी में से स्टार्ट होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये साइकिल पूरी की पूरी चलती रहती है, इसके लिए इसको क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया पूरी तरीके से? ओके, तो आशा करता हूं आप इसको पूरी तरीके से लिख पाएंगे और आपके माइंड में हर एक टॉपिक जो है एकदम अच्छे से बैठ गया होगा। ये स्टूडेंट्स, अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आप सेटिस्फाइड होंगे, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।